देश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से लगा देवास जिला राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। कई दिग्गज नेता देवास जिले से निकलकर राजनीति के मैदान में आते हैं। ऐसे में क्या इस बार देवास जिले का राजनीतिक मिजाज, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मालवा अंचल का देवास जिला अपनी औद्योगिक प्रगति और संपन्न कृषि संपदा के चलते पूरे मध्य प्रदेश में विशिष्ट स्थान रखता है। माँ चामुंडा का ये पावन तीर्थ स्थल इंदौर से सटा होने के कारण औद्योगिक और व्यवसायिक तौर पर अपनी खास पहचान बना चुका है। माँ चामुंडा की नगरी के नाम से विख्यात देवास शहर का नाम देवियों के वास के नाम पर देवास पड़ा। देवास को रुपये छापने वाली प्रेस, बैंक नोट और यहाँ स्थित विभिन्न उद्योगों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो जिले में कांग्रेस और भाजपा, जो पहले जनसंघ रहा है, के बीच सीधा मुकाबला देखा गया है। हालांकि जिले में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है। जिले में कुल 5 विधानसभाएं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां से 3 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। देवास विधानसभा से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी का मुकाबला गायत्री राजे पवार से है, तो सोनकच से सज्जन सिंह वर्मा का मुकाबला राजेश सोनकर से है। यहाँ की हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने वर्तमान विधायक मनोज चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कन्नौद खातेगांव विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक आशीष शर्मा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। यहाँ की बागली सीट से भाजपा के मुरली भमरा का मुकाबला कांग्रेस के गोपाल भोंसले से है। चुनावों में जहां बीजेपी विकास को मसला बना रही है, तो वहीं कांग्रेस जिले में योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ स्थानीय मसलों पर जोर दे रही है। जिले में कुल 12,13,070 मतदाता हैं, जिनमें 6,19,583 पुरुष और 5,93,474 महिला मतदाता हैं। यहां कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,418 है। और अब अंत में देखते हैं यहाँ के राजनीतिक मसलों पर क्या कहती है यहाँ की जनता। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम देवास विधानसभा के देवास क्षेत्र में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की क्या प्राथमिकता है, क्या मुद्दे हैं, वो सब जानने के लिए हमारे साथ देवास शहर के नागरिक से यहाँ पर उपस्थित है। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ये चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। दीपक जी, बताएं कि विधानसभा चुनाव में क्या ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में वोट करने जाएंगे? मैं सबसे पहले तो प्रत्याशी देखूंगा कि कौन प्रत्याशी है, और शहर का जिस तरीके से विकास हुआ है तो विकासशील प्रत्याशी को ही जो है मैं मतदान करूंगा। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवस्थित विकास हो शहर का, इसके संबंध में हम देख कर मतदान करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आने वाला जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़ा हुआ हो, जनता के मूलभूत सुविधाओं को जो वर्षों पहले मिलना थी वो मिले, उसको ध्यान में रखकर हम मतदान करेंगे। और हम लोगों से भी अपील करेंगे, शहर के बुद्धिजीवी नागरिकों को, कि वो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर कि हम जो इंदौर पर हमारी निर्भरता है वो खत्म हो और मतदान करें। ये देवास शहर के मतदाता हैं जिनकी नजरों में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, इससे हटकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी सुविधाओं का, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यहाँ पर बात हो रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवास से नितिन गुप्ता।